नमस्कार साथियों मेरा नाम है नीलेश कुमार हम सभी पॉलिटी के सब्जेक्ट पढ़ रहे थे जो कि एम लक्ष्मीकांत जी द्वारा लिखा गया है प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ा था चार्टर एक्ट 1793 चार्टर एक्ट 1813 चार्टर एक्ट 1833 आज का टॉपिक हमारा क्या है चार्टर एक्ट ऑफ एटीन आइए स्टार्ट करते हैं क्या लिखा है पढ़ते हैं दिस वॉज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिटवीन सेवनटीन एंड एटीन फिफ्टी थ्री इट वॉज अ सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क क्या कह रहा है? ये जो चार्टर 1853, है वो लास्ट है, चार्टर में, टोटल चार्टर चार्टर कितने है? चार हैं सत्रह तिरानवे अठारह तेरह अठारह तैतीस और अठारह तिरपन आइए फीचर जान लेते हैं चार्टर एक्ट एटीन फिफ्टी थ्री के सॉरी एटीन फिफ्टी थ्री चार्टर एक्ट फीचर क्या है फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर्ट इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल क्या बोल रहा है ये चार्टर एक्ट 1853 जो है इसने पहली बार लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन को डिवाइड कर दिया गवर्नर जनरल के काउंसिल्स के लिए ठीक है क्या लिखा है इट प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ सिक्स न्यू मेम्बर कॉल लेजिटिव काउंसल टू द काउंसिल इन अदर वॉर्ट स्टैबलिश सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिलेटिव काउंसिलच केम टू बी नोन एज इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो विधानसभा थे ठीक है जो जहाँ पे मतलब विधेयक बनते हैं ठीक है वो कहाँ से बना उसका जड़ क्या था कि कहाँ से लेजिस्लेटिव काउंसिल की उत्पत्ति हुई विधान परिषद की उत्पत्ति हुई तो यहाँ से हुआ चार्टर एक्ट 1853 के अकॉर्डिंग जिसके तहत यह कहा गया है कि इट इट इज सेपरेटेड द फर्स्ट टाइम मतलब ये पहली ये बार इसने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को डिवाइड किया गवर्नर जनरल के काउंसिल को और साथ ही साथ छः नए लोगों को लेजिस्लेटि काउंसिल में एज अ लेजिस्लेटिव काउंसिलर

ऑपरेट करता था थर्स्ट लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज ट्रीटेड एज स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट रिक्वायरिंग स्पेशल मशीनरी एंड स्पेशल प्रोसेस सीधा सीधा ये बात है कि विधेयक मतलब लेजिस्लेशन या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल ठीक है लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स इन सभी चीज़ों की बात एटीन फिफ्टी थ्री चार्टर एक्ट में की गई है दूसरा पॉइंट क्या है? ये चलते हैं सेकेंड पॉइंट है इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कॉम्पटीशन सिस्टम ऑफ सेलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स

दिए गए अपॉर्चुनिटी दिए गई कि आप भी एग्जामनेशन दिए गए किस कमेटी के अकॉर्डिंग मकौले कमेटी एम ए सी ए यू एल ए वाई मकौले कमेटी के अंतर्गत जिसको कि हम लोग जिसके तहत इंडियन सिविल सर्विसेज की अपॉइंटमेंट होती थी या कब अपॉइंट किया गया मकौले कमेटी एटीन फोर में इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ इंडिया ट्रेड ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पार्टिकुलर पीरियड अनलाइक द प्रीवियस चार्टर क्या लिखा है कंपनी रूल्स को फिर से बढ़ा दिया गया और उसको एक ताकत ये भी दी गई ठीक है रिटेन करने की कि वो इंडियन टेरिटरीज को भी अपने ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पजेस कर पाए ठीक है रख पाए अपने पास लेकिन ये नहीं बताएगा कि, कि कितने समय के लिए पिछली बार जब हुआ था तो 20 साल के लिए हुआ था लेकिन अभी यह समय नहीं बताएगा दिस वॉज ए क्लियर इंडिकेशन दैट द कंपनीज रूल कुड बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम द पार्लियामेंट लाइक इसका मतलब क्या था कि कभी भी कंपनी रूल को खत्म किया जा सकता है जिस दिन पार्लियामेंट चाह जाएगी चौथा पॉइंट क्या है आइए पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट है हमारा इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द सिक्स न्यू लेजिटिव मेंबर्स ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल फोर मेंबर्स और अपॉइंटेड बाय द लोकल प्रोविंसियल गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ मद्रास बॉम्बे बंगाल एंड आगरा क्या कह रहा है लोकल रिप्रेजेंटेशन जैसे हम लोग आज के समय में देखते हैं म्यूनिसिपल चुनाव होते हैं ठीक है नगर के चुनाव जो होते हैं नगर निगम के उस तरीके से उसकी न्यू कहाँ से रखी गई थी चार्टर एक्ट एटीन फिफ्टी थ्री अकॉर्डिंग लोकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें कि छः मेंबर को ऐड किया गया था जब लेजिलेटिव एग्जीक्यूटिव डिवाइड किया गया था और छः नए काउंसिलर एड हुए थे साथ ही साथ चार मेंबर को और अपॉइंट किया गया मद्रास बॉम्बे बंगाल और आगरा के लिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा अभी तक हम लोगों ने एक्ट के बारे में पढ़ा चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ा ठीक है बहुत सारे चार्टर कितने टोटल कितने चार्टर एक्ट है चार चार्टर एक्ट है कौन कौन सेवेंटीन नाइनटी थ्री 1813, 1833 एंड 1853. नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा द क्राउन रूल धीरे धीरे करके पढ़ेंगे द क्राउन रूल क्या है 1858 से लेके 1947 तक बिफोर 1858 क्या था चार्टर एक्ट जैसे कंपनी आई कंपनी का बेस बना कंपनी ट्रेड की करने लगी कंपनी ने दीवानी राइट्स हासिल किए धीरे धीरे कंपनी अपने ट्रेडर्स को बुलाने लगी धीरे धीरे क्या हुआ फिर सेटअप बैठने लगा गवर्नमेंट की बेसिस पे बेस पे तो हर एक चीज़ का एक चरण है नेक्स्ट है हमारा द क्राउन रूल एटीन फिफ्टी एट टू नाइन सेवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ एटीन फिफ्टी एट फर्स्ट एक्ट क्या है इसके अंतर्गत क्राउन रूल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दिस सिग्निफिकेंट एक्ट वॉज इनैक्टेड इन द वेक ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ एटीन सेवन ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियंस और द दिपाई मेटिनी द क्या बोल रहा है ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ एटीन फिफ्टी एट है ये कब लाया गया जब पहला बगावत हुआ रिवॉल्ट मतलब बगावत अठारह की जो क्रांति हुई ठीक है जिसको कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा गया और सिपाही मिटनी भी कहा गया द एक्ट नोन एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एबोलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरी एंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश क्राउन देखिए अभी तक क्या होता था कि जो भी कार होते थे वो ब्रिटिश क्राउन के ऑर्डर पे होते थे उनके अंतर्गत होते थे डायरेक्टली उनको पावर सारी चीज़ नहीं ट्रांसफर की गई थी लेकिन इस रिवॉल्ट के बाद जो कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और सिपाही मिटिनी भी कहा गया अठारह को उसके बाद एक ब्रिटिश सरकार एक्ट पास करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ एटीन जिसके तहत सारा पावर सरकार का चाहे वो टेरिटरी से रिलेटेड हो चाहे वो वित्तीय रेवेन्यू से रिलेटेड हो सभी को किसको दे दिया गया ब्रिटिश क्राउन को दे दिएगा डायरेक्टली फीचर क्या है आइए जानते हैं द फीचर ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया हे फोर्थ वॉस टू बी गवर्न बाय एंड इन द नेम ऑफ हर मजेस्टी क्या बोल रहा है जो भी गवर्नमेंट भारत में काम होगा या शासन होगा किसके नाम पे होगा मजेस्टी के नाम पे होगा मतलब वहां की महारानी के नाम पे होगा हो या महाराजा जो भी हैं इट चेंज द डिजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ द वाइसराय ऑफ इंडिया अब देखिए पहले क्या थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फिर क्या बने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब क्या बन गए वाइसराय ऑफ इंडिया वाइसराय ठीक है अठारह में वाइसराय बन गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ही वाइसराय वॉज अ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया अब क्या है वाइसराय क्या है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हो गए जिस प्रकार से अभी हम लोग देखे कि एम्बेसीज में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं फॉरेन कंट्रीज में उसी तरीके से इनको भी एज अ रिप्रेजेंटेटिव किसका बनाएगा ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया का लॉर्ड कैन थर्स बिकेम द फर्स्ट वॉइसराय ऑफ इंडिया पहला वॉइसराय कौन बना लॉर्ड कैनिन ठीक है पहला गवर्नर जनरल कौन थे बताइए अगर नहीं याद रहा तो प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं आप ठीक है लॉर्ड विलियम बेंटिक थे लॉर्ड कैनिन थर्स बिकेम द फर्स्ट वॉयसराय ऑफ इंडिया सेकंड पॉइंट का आइटेंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय गवर्नमेंटिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भी यहां समाप्त कर दिया किस एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ एटीन एट के अंतर्गत थर्ड पॉइंट क्या इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वेस्टेड विद कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एक नया और ऑफिस बनाया गया पहले क्या बना इस एक्ट के अंतर्गत वाईसराय बना वाइसराय को बनाया गया जो कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होंगे ब्रिटिश क्राउन के पहला कौन थे लॉर्ड कैनिंग थे दूसरा पॉइंट क्या था डबल गवर्नमेंट का जो था सिस्टम बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को उसको रिमूव कर दिया गया व्लाइज कर, कर दिया गया खत्म कर दिया गया थर्ड पॉइंट क्या है एक नया और ऑफिस uh, बनाया गया जिसको क्या कहा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज अ मेंबर ऑफ़ द ब्रिटिश कैबिनेट एंड वॉज रेस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट अब देखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है वो मेंबर होंगे ब्रिटिश कैबिनेट के मतलब कि जो ब्रिटिश के मंत्री होते हैं जैसे हमारे अभी मोदी कैबिनेट है मोदी गवर्नमेंट है उसी तरीके से उस समय के ब्रिटिश कैबिनेट में जो पर्सन होगा वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन सकता है और अल्टीमेटली किसके लिए कहाँ कि, पे रिस्पॉन्सिबल होगा कहां पे, पे जवाब होगी उनकी ब्रिटिश के संसद में चौथा पॉइंट क्या है इट मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू अस द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया द काउंसिल वाज एन एडवाइजरी बॉडी द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल मतलब पंद्रह मेंबरों की काउंसिल बनी पंद्रह लोगों की काउंसिल बनी किस चीज के लिए वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को असिस्ट करें गाइड करें कैसे काम करना है कैसे शासन करना है क्या क्या आने वाले प्लान्स रहेंगे क्या क्या प्रोजेक्ट्स रहेंगे कि हम अपने शासन को और भी आगे बढ़ा सकें और मजबूती से अपना न्यू भारत में जमा सकें ठीक है नेक्स्ट क्या लिखा था काउंसिल ऑज एन एडवाइजरी जैसे भी एडवाइजरी बॉडी थी और इसका चेयरमैन कौन होगा इस काउंसिल का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया फिफ्थ पॉइंट इट कॉन्स्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी कॉर्पोरेट कैब सुइंग एंड बीइंग सूड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड क्या बोला आप देखिए मतलब कि ये ऐसा बॉडी बनाया गया है जो कि केस कर भी सकता है और केस इसके ऊपर किया भी जा सकता है चाहे भारत में किया जाए वो इंग्लैंड में भी किया जाए द एक्ट ऑफ एटीन फिफ्टी लार्जली कन्फाइंड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बाय विच द इंडियन गवर्मेंट वॉज टू भी सुपरवाइज एंड कंट्रोल इन इंग्लैंड मतलब क्या कह रहा है जो अठारह सौ अंठावन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ शासन करने के लिए ही बनाया गया था कि किस हिसाब से प्रशासनिक ताकतों को बढ़ाया जाए अंग्रेजों द्वारा ताकि वो भारत के यहाँ के संसाधनों को यहाँ के लोगों को सुपरविजन और कंट्रोल कर सके डिड नॉट अल्टर इन यानी सब्सटैशियल वे द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डेट प्रिवेल इन इंडिया ठीक है इसके वजह से कोई भी जो सरकारी तंत्र है उसकी उसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा ठीक नेक्स्ट हमारा एक्ट क्या होगा इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ एटीन सिक्सटी वन इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ठीक है आज के लिए इतना ही धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत